फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें आकाश गंगा में फतेहगढ़ के रहने वाले रवि ने सुबह अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर मोहित गुप्ता ने उसका ऑपरेशन किया। परिजनों के मुताबिक स्टाफ ने बच्चा नहीं दिखाया, बाद में पता चला कि बच्चे को ओटी से कुत्तों ने खींच लिया, जिससे बच्चा मेज से नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, हंगामा देख के अस्पताल के स्टाफ फरार हो गए। डीएम ने सीएमओ और नगर मजिस्ट्रेट से जांच करवाई, जिसके बाद जांच में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई। पुलिस ने अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए पंजीकरण न होने पर अस्पताल को सीज कर दिया। इसके अलावा सीएमओ और एसडीएम को 3 दिन में जांच करके अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के कविनगर इलाके के रहने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर पवन शर्मा की हत्या का खुलासा नहीं होने पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने एसएसपी ऑफिस पर इस मामले में प्रदर्शन किया और जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। 4 तारीख से लापता पवन का शव हापुड़ से बरामद हुआ और परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया था। तो खबर अमरोहा से है, जहां पर दंपत्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और संदिग्ध हालत में दंपत्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृत दंपत्ति किसी काम से घर से बाहर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर जब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो खेत में एक पेड़ पे शव लटकता हुआ मिला है। परिजनों ने आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच कर रही है।